हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, ये एक डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि मैंने जो है वोट किया था और काफ़ी लोगों ने कहा था कि स्काईबॉक्स की वीडियो जो है जल्दी लाना। तो स्काईबॉक्स की वीडियो जो है मैंने कल अपलोड कर दी थी, और अब ये वाली जो वीडियो है ये होने वाली है RTX मोड के ऊपर, जो कि मैंने आपको कहा था जो कि 34 MB का होने वाला है। और ये जो मोड पैक था मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, दैट्स वाई कि अभी जो है मैं इसको डायरेक्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। सो गाइस, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा स्काईबॉक्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर दिया था, वही स्काईबॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और एक बात, यहाँ पे इसके अंदर आपको जो है GTA 5 के जो है ग्राफिक्स वो अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको अपना मेन्यू ओपन करना है, उसके बाद आपको जो है मेन्यू ओपन करने साथ ही आपको जो है GTA 5 ग्राफिक्स को एनेबल कर देना है, ठीक है। और एक बात ये होगी कि इसके अंदर मैंने जो है आपको शेडोज भी ऐड करके दी है, आपको जो है यहाँ पे HD शेडोज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक गुड पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेडोज आ रही है, जो ट्रीज की जो शेडोज है, वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है। और साथ ही में आपको जो स्काईबॉक्स अवेलेबल है वो तो आपको बहुत ही ज्यादा औसम लगने वाला है। साथ में आपको मैंने यहाँ पे दिए बेस्ट रिफ्लेक्शन की स्क्रिप्ट, जो कि आपके रिफ्लेक्शंस की होने वाली है, और जिसके जरिए जो है आपका जो कार के रिफ्लेक्शंस है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि यही वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा इसका इंस्टॉलेशन क्या रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी, और किन किन डिवाइस में सपोर्ट करेगा, कौन कौन से एंड्रॉइड डिवाइस में सपोर्ट करेगा। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ इसके कंपेटेबिलिटी को लेकर के, तो ये जो मोड रहेगा वो सभी के सभी डिवाइस में सपोर्ट करेगा, ठीक है, बहुत ही इजी मोड रहेगा। एंड मैंने जो इसको दो डिवाइस में जो है इस मोड पैक को जो है ट्राई किया है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दो डिवाइस में ट्राई करने के बाद में मेरे को लगता है कि ये सभी डिवाइस में ऑलमोस्ट वर्क कर जाएगा, क्योंकि एक में था एंड्रॉयड 11, ठीक है, और दूसरे में था एंड्रॉयड 7। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एंड्रॉयड 11 में वर्क कर रहा है, एंड्रॉयड 7 में भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो बीच के जो आपके एंड्रॉयड वर्जन रहेंगे उनमें भी अच्छे से सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी भी कि लाइक नहीं करेगा ऐसा वैसा, तो आप डाउनलोड करके देखिए, एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखिए, यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा जो फर्क है वो देखने के लिए मिलेगा। गाइस, सी यहाँ पे जो हेडलाइट्स है गाड़ी की, वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है देखने में। जो ये मोड पैक है बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, एंड इतनी ज़्यादा कम साइज़ में अगर कोई मोड पैक मिल रहा है ग्राफिक्स का, तो आई होप कि सब लोग डाउनलोड करेंगे। बेसिकली हाई एंड मोड पैक्स भी जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, किसी के पास नेट नहीं होता, और किसी के पास अगर प्रोडक्ट डाउनलोड भी कर लेता है ना, उसके बाद उसका गेम लैग करता है, क्योंकि जो मोड पैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई एंड होते हैं। ऐसे में अगर उसका डिवाइस लो एंड है तो मोड पैक क्रैश होने के चांसेस, लैग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है कि लैग और क्रैश को फिक्स कर सकते हो, तो वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखो, चैनल विजिट करो, 70 वीडियोज़ आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जो कि JT सैन एंड्रियास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको 70 वीडियोज़ जो है देखने के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। 70 वीडियोज़ जो है प्लेलिस्ट के अंदर हो चुकी है, तो आप जाओ जल्दी से चेक करो और जा करके आपका मनपसंदा मोड डाउनलोड करो। सो गाइज, अभी के लिए जो है ये वाला जो मोड है मेरे को बहुत ही ज़्यादा ओसम लगा है, यानी कि सिर्फ 34 MB में आपको शेडोज भी देखने के लिए मिल जाएगी, हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाएगी, HD ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, HD स्काईबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ में ये जो कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ओसम कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हाई सेटिंग पे खेलोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सभी एंड्रॉइड डिवाइस में सपोर्ट करने वाला है, सभी वर्जन में सपोर्ट करने वाला है। सो आई होप कि ये जो मोड पैक है ना, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सी यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो इसके ग्राफिक्स को देख के, इसके कंपेटेबिलिटी को देख के, इसके व्यू को देख करके, कि ये जो मोड पैक है ये आपको आफ्टर इंस्टॉलिंग क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है कुछ ऐसी क्लोज स्क्रिप्ट भी ऐड करी है, जिनके बारे में बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, क्लोज स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि लाइट वर्जन में वर्क कर जाएगा, देखो लाइट वर्जन के लिए ये मोड पैक नहीं है, ठीक है। लाइट वर्जन में अगर आप मेरे ट्राई करते हो अपने अकॉर्डिंग, जिन लोगों को आता है ट्राई करना, मतलब जिस तरीके से लाइक रीनेम वगैरह करके जो होता है, तो एक बार आप ट्राई कर लो, मे भी हो सकता है कि आपका वर्क कर जाए। लेकिन ये जो मोड पैक है, बेसिकली जितने भी मोड पैक जो मैं अपने चैनल पे देता हूँ, सभी एंड्रॉइड में वर्क करते ही है, साथ ही साथ में उनको वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको चाहिए होती है GTA सैन एंड्रियास
इसकी एंड्रॉयड क्लो एपिक है, और जो कि मैं ही यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड वर्जन 2.0, जो कि 2 GB के अराउंड है पूरा का पूरा गेम, वही गेम जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी वही यूज़ करना है, और अगर आपके पास वो गेम नहीं है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर के वो वाला गेम डाउनलोड करो, पहले वो वाला वर्जन APK OBB, उसके बाद में ये वाला मोड पैक डाउनलोड करो और उसके बाद इंस्टॉल करो, तो आपका जो मोड पैक है वो ईजी से रन करेगा गाइस, एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लूंगा, आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। हमेशा की तरह आपको फाइल डाउनलोड करनी है RTX V1.0, उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद एक सेक्टर कर दो। 34 MB जो मैंने आपको बताया था वही इसका साइज है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। उसके बाद में फोल्डर आपको मिल जाएगा, ओपन करो। उसके बाद में आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा, कॉम रॉकस्टार गेम डॉट जेटी, ऐसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड यहाँ पे डेटा एंड देन पेस्ट हेयर। गाइज आपके पास जो पुरानी फाइल होगी उसको वहाँ से है ना कहीं से रिमूव कर देना, यानी कि उसको कॉपी या कट करके कहीं और कॉपी कर देना। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे ये वाली जो फाइल मैंने आपको दी है यहाँ पे एकदम फ्रेश पेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद में आपके फुल की फुल गारंटी रहेगी कि आपका जैसे गेम ओपन करोगे आप, उसके बाद में आपका जो गेम रहेगा वो एकदम से जो है पूरा का पूरा रियलिस्टिक हो जाएगा। और एक बात आपको क्या करना है कि आपको जो है अपना क्लो मिनी ओपन करके GTA 5 ग्राफिक्स जो आपके सामने आएगा, जो नॉर्मली हर एक लाइट ग्राफिक्स मोड के अंदर होता है, तो उसको आप एनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा, आप जैसे क्लो मिनी ओपन करोगे GTA 5 ग्राफिक्स को एनेबल कर देना, एंड उसके बाद में आपको जो पूरा का पूरा जो ग्राफिक्स है वो एनेबल हो जाएंगे, एंड आप जो है पूरा का पूरा जो मज़ा है इन ग्राफिक्स मोड पैक का वो जो है यहाँ पर उठा सकते हो। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला था लेकिन लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना, क्योंकि रेगुलर वीडियोस लाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके GTA San Andreas के लिए, हर एक मोड यहाँ पे आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो GTA San Andreas खेलते हो, GTA San Andreas के मोड्स को डाउनलोड करना चाहते हो, तो जाओ डाउनलोड करो जल्दी से जल्दी से। एंड आई होप कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगेन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।